हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे रिक्वेस्ट आए थे कि मैं एक वीडियो हिंदी में भी करूं, इसलिए ये वीडियो मैं हिंदी में कर रही हूं। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और शादियों का मौसम भी शुरू हो चुका है। ये वीडियो एक ट्यूटोरियल वीडियो है उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि ब्राइडल मेकअप के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक अच्छा मॉइस्चराइज़र होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, ड्राई हो या नॉर्मल हो, सर्दियों में हर स्किन टाइप को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। आप आपके स्किन टाइप के हिसाब से कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं। अब आपको चाहिए एक स्किन प्राइमर। प्राइमर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आपकी स्किन इवन आउट हो जाती है और आपका मेकअप ज़्यादा लंबे समय तक अच्छी तरह रहता है। नेक्स्ट, आपके पास एक कलर करेक्टर पैलेट होना चाहिए जिससे आपके चेहरे पे कोई भी डार्क स्पॉट्स, ब्लेमिशेस, पिंपल्स, एक्ने, डार्क सर्कल्स वगैरह कलर करेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कलर करेक्टर पैलेट सही तरीके से कैसे यूज़ किया जाता है, तो इसका एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाकर रखा हुआ है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब आपको चाहिए एक कंसीलर ताकि स्किन के जिन हिस्सों को आपने कलर करेक्ट किया है उन्हें आप अच्छी तरह से कंसील कर सकें। कंसीलर्स कई तरह के आते हैं, क्रीम, HD वगैरह, आपको जो भी अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए एक फाउंडेशन। फाउंडेशन भी कई टाइप के आते हैं, क्रीम, लिक्विड, मूस वगैरह, आप कोई भी ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें जो फाउंडेशन आप लें उसका कलर आपके स्किन टोन से बिल्कुल मैच करे, नहीं तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा। फाउंडेशन आपकी स्किन को एक इवन टोन दे देगा। आपका बेस अब रेडी हो चुका है। इसे सेट करने के लिए आपको चाहिए एक कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर। याद रखिए, जहाँ भी आपने क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं उन्हें पाउडर से सेट करना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं आई मेकअप की तरफ। आई मेकअप के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक अच्छा आई बेस जिससे आपकी आईज़ इवन आउट हो जाएं, आई शेडो के कलर्स उभर के बाहर आएँ और आई मेकअप लंबे समय तक अच्छा दिखे। नेक्स्ट, आपको चाहिए एक अच्छा आई शेडो पैलेट जिसमें हर किस्म के आई शेडोज हों, जैसे लाइट न्यूड मैट्स क्रीज एरिया के लिए, कुछ डार्क मैट्स आउटर कॉर्नर्स के लिए और शिमर और ग्लिटर कलर्स इनर टू थर्ड और इनर कॉर्नर्स के लिए। आई शेडो पैलेट सिलेक्ट करते समय ध्यान रखें कि उसमें ब्राइड्स के ड्रेस से मैचिंग शेड्स होने चाहिए और उनका पिगमेंटेशन अच्छा होना चाहिए। ज़्यादा फॉल आउट होगा तो आपके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा मेकअप करना। उसके बाद आपके पास एक वाटरप्रूफ और स्मज प्रूफ आईलाइनर, काजल और मस्कारा होना चाहिए। आप चाहे तो फेल्ट टिप पेन आईलाइनर, जेल आईलाइनर या लिक्विड आईलाइनर कुछ भी ले सकते हैं। मस्कारा लेते समय ध्यान रखें ऐसा मस्कारा लें जो आईलैशेस को अच्छा वॉल्यूम और लेंथ दे। अब आपको चाहिए एक आईब्रो पेंसिल जिससे आप आईब्रो डिफाइन और फिल कर सकें। आई मेकअप हो जाने के बाद आपको एक क्रीम हाईलाइट कॉन्टोर पैलेट की ज़रूरत पड़ेगी जिसके लाइटर शेड से आप अंडर आई एरियाज, ब्रिज ऑफ द नोज, सेंटर ऑफ द फोरहेड और क्यूपिड्स बो को हाईलाइट कर सकते हैं और डार्क शेड से फेस को कॉन्टोर कर सकते हैं। अगर आप पैलेट नहीं लेना चाहते तो आपको आपके स्किन टोन से दो शेड डार्कर फाउंडेशन लेना होगा कॉन्टोर के लिए और दो शेड लाइटर फाउंडेशन लेना होगा हाईलाइट के लिए। जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, किसी भी क्रीम प्रोडक्ट को पाउडर से सेट करना बहुत ज़रूरी है, तो क्रीम हाईलाइट और कॉन्टोर को भी पाउडर हाईलाइटर और पाउडर कॉन्टोर से सेट करने के लिए आपको चाहिए एक पाउडर कॉन्टोर किट। आपको मार्केट में पाउडर ब्लश, हाईलाइटर, कॉन्टोर किट मिल जाएंगे। ऐसे ही एक किट का डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। इसके बाद आपके पास होना चाहिए एक अच्छा सा ब्लशर जो चीक्स को एकदम लाल ना कर दे, बस एक हल्का सा फ्लश ऑफ कलर दे चीक्स को। अब बात करते हैं लिप्स की, तो लिप्स के लिए आपके पास होनी चाहिए अच्छी लिप पेंसिल जिससे आप लिप्स को डिफाइन कर सकें और अच्छी क्रीम लिपस्टिक्स जो ना सिर्फ ब्राइड के ड्रेस से मैच करें पर दुल्हन के चेहरे पर भी अच्छी लगें। ज़्यादातर पिंक्स, मरून्स, रेड्स के शेड्स यूज़ करने चाहिए ताकि अगर ब्राइड को फंक्शन में ड्रेस चेंजेस भी करने हैं तो भी कोई दिक्कत ना हो। पूरा मेकअप हो जाने के बाद उसे मेकअप सेटिंग स्प्रे से सेट कर दीजिए जिससे मेकअप लंबे समय तक अच्छी तरह लगा रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
आपके पास अच्छे ब्रशेस, ब्यूटी ब्लेंडर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास मेकअप लगाने के लिए अच्छे टूल्स नहीं होंगे तो आपके सारे प्रोडक्ट्स आपको बेस्ट रिजल्ट्स नहीं देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल बटन पर भी ज़रूर क्लिक करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रखे हैं। थैंक यू।